नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। मैं हूँ आसिया। सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो के पार्टी और सरकार के खिलाफ बगावती तेवर पर झामुमो ने चुप्पी साध ली है। इस बाबत किसी भी प्रदेश प्रवक्ता ने बोलने से ही इनकार कर दिया है। हालांकि सत्ताधारी कांग्रेस ने कहा है कि जो पार्टियां सत्ता में हैं उनके लोगों को इस तरह का कोई बयान नहीं देना चाहिए, जिससे विपक्ष को बैठे बिठाए मौका मिल जाए। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि भाषा के विषय पर अमित महतो के बयान से पार्टी का रुख अलग है। पार्टी का मानना है कि कोई भी भाषा किसी भी क्षेत्र में बोली जा सकती है। इस पर मैं प्रतिक्रिया नहीं दे सकता कि किन लोगों की क्या सोच है, क्योंकि सोच स्वतंत्र है या देश स्वतंत्र है या देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी वाणी को लोग अलग अलग ढंगों से अभिव्यक्ति कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि हिंदुस्तान का संविधान हर उस भाषा को जो उसमें समाहित है उसको इजाजत देती है कि वो किसी भी राज्य में बोली जाए या उस भाषा को लेकर के परीक्षाएं ली जाए। कांग्रेस पार्टी यह मानती है कि यहाँ स्थानीय भाषा के साथ साथ भोजपुरी और अंगिका भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यहाँ के स्थानीय भाषा को हम तरजीह देते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, क्योंकि यह राज्य जो है ये आदिवासियों के लिए ही बना है। जो वंचित तो है, जो वंचित है उनके उत्थान के लिए यह राज्य अलग हुआ है, तो स्वाभाविक तौर पे वो एक बड़े भाई की भूमिका में रह सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि इस तरह की बातों से राजनीतिक दल के लोगों को, खास करके जो सत्ता में है वैसे लोगों को, कम से कम विचार करना चाहिए कि ऐसे बयानों से हम विपक्ष को जो है कोई मौका ना दें।